सऊदी अरब में एक पठान को पुलिस ने पकड़ लिया और कहा कि निस्वार खाना बहुत बुरी बात है। पठान ने कहा नहीं, तो पुलिस वाले ने कहा कि हम साबित कर देते हैं। पुलिस वाले ने एक गधे के आगे एक तरफ निस्वार रख दी, एक तरफ घास रख दी। अब गधे ने निस्वार छोड़कर घास खाना शुरू कर दी। ये देखकर पुलिस वाले ने कहा क्या साबित हुआ? पठान, साबित हुआ कि गधे निस्वार नहीं खाते। एक इंस्पेक्टर ने एक बंदे को थाने बुलवाया। थानेदार, मुझे पता चला है कि तुम्हारे घर धमाका खेज मवाद मौजूद है। आगे से बंदा, सर आपकी इतला तो ठीक है लेकिन आजकल वो मेके गई हुई है। एक गधे ने सरदार को लात मार दी। आगे से सरदार ने भी 5-6 लातें गधे को मार दी। ये देखकर किसी ने कहा कि सरदार जी ये क्या कर रहे हैं? सरदार, दरअसल हम दोनों दोस्त हैं और बड़े अरसे बाद मिले हैं। एक मुल्ज़िम किसी केस में अदालत में पेश हुआ। जज ने उसका केस देखकर उसको बहुत ज्यादा जलील किया। मुल्ज़िम, जज साहब कभी मैंने अपनी माँ की बात सुनी होती ना तो आज मैं ये टके टके की बातें ना सुनता। जज बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा तुम्हारी माँ कहती क्या है? मुल्ज़िम, सर मसला तो यही है, कभी सुनी हो तो बताऊं। बीवी ने शोहर को आवाज दी कि किचन में से चीनी ले आना। शोहर ने काफी तलाश की लेकिन नहीं मिली। वापस आकर बीवी से कहा कि नहीं मिल रही। आगे से बीवी ने कहा कि तुम तो हो ही अंधे, इसलिए मैं पहले ही ले आई थी। एक इंतहाई चालू लड़के ने फेसबुक पर लड़की को फंसा लिया। 6 महीने की मेहनत के बाद आखिरकार लड़की से मुलाकात का टाइम फिक्स हो गया। फेसबुक पर उसने आईडी प्रिंस के नाम से बनाई हुई थी और था उसके पास साइकिल भी नहीं। खैर, दोस्त से लिफ्ट ली और मोटरसाइकिल के पीछे बैठकर मिलने की जगह पहुंच गया। दूर से लड़की को देखकर हाथ हिलाया और घर वापस आ गया और घर आते ही मैसेज किया कि बताओ मैं कैसा लगा। आगे से जवाब आया कि आप तो बहुत खूबसूरत हैं लेकिन आपके पीछे बंदर कौन बैठा हुआ था।